जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉर्ड लिनलिथगो की, ठीक, और पेपर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट तथ्य होंगे, पॉइंट्स होंगे, उनको पढ़ेंगे। तो लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक, इनका टाइम पीरियड है 1936 से 1943। अब इसके समय में कौन सी बातें हुई, तो इसके समय में ना पहली बार चुनाव कराए गए, जो इलेक्शन हुए थे ना इसी के समय में हुए थे, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत, तो कौन कौन से 8 प्रांत, एक तो बंबई हो गया, मद्रास हो गया, बिहार हो गया, और संयुक्त प्रांत हो गया, से अपना उत्तर प्रदेश इसी में आता था, अब मध्य प्रांत हो गया, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम, इन 8 प्रांतों में, ठीक, मतलब 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को क्या स्पष्ट बहुमत मिला था, जबकि बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो यहां से आप लिनलिथगो के समय में क्या कराया गया, चुनाव कराए गए और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, ठीक, 6 में उसे स्पष्ट बहुमत मिला, तो बाकी के जो ये जो बंगाल हो गया, असम हो गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध में इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब 1 सितंबर 1939 को, ये वो डेट है जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारतीयों से पूछे बिना, ठीक, भारतीयों से मतलब नहीं पूछा था कि युद्ध में शामिल हो, मतलब आप होंगे कि नहीं, तो बिना मतलब भारतीयों से पूछे युद्ध में जो भारतीय सैनिक थे उनको झोंक दिया गया। और कांग्रेस ने क्या किया, इसका विरोध किया और एक नारा दिया कि ना कोई भाई ना कोई पाई। तो ये नारा आप याद कर सकते हैं कि ये कब दिया गया था, जब भारतीयों से बिना पूछे अंग्रेज़ों ने उनको द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए उसमें भेज दिया, ठीक, तब नारा कांग्रेस ने दिया था, ना कोई भाई ना कोई पाई। और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से क्या दिया, तब त्यागपत्र दे दिया था, जो चुनाव नहीं हुए थे, जो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुए थे, तो भाई जहाँ जहाँ जो सरकारें बनी थी उन लोगों ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई, ठीक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी किसने बनाई, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। और मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई, तो ये जो इसकी लीग की बैठक हुई थी लाहौर अधिवेशन में पहली बार की गई, और इस प्रस्ताव का जो प्रारूप है वो सिकंदर हयात खान लाए थे। कौन लाए थे, सिकंदर हयात खान लाए थे, इन्होंने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था और खजी कुज्जमा ने उसका क्या किया था, समर्थन किया था। तो ये बात हो गई। अब यहाँ से एक डेट और आपको याद रखना, बस केवल आप ये जानिए कि जो अगस्त प्रस्ताव है वो 1940 में लाया गया था, अब अगस्त महीना था इसलिए अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया और अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था, ठीक, इतना याद करिए। अब यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद करना है कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो क्रिप्स मिशन और कब आया, 1942 में। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो भी ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1942 में, 9 अगस्त 1942, ठीक। अब ये तो बात हो गई, तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, तो बंगाल में अकाल 1943 में पड़ा था। तो ये अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा, चुनाव हुए, चुनाव के बाद विश्व युद्ध में जब भारत को झोंक दिया गया बिना पूछे, तो त्यागपत्र दे दिया गया मंत्रिमंडल से, फिर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की नई पार्टी बनाई, 1940 में पाकिस्तान की पहली बार मांग की गई, सिकंदर हयात खान ने उस मतलब एक प्रारूप बनाया था और फजलुल ने उसका समर्थन किया था, सॉरी प्रस्तुत किया था, और खलीकुज्जमा ने समर्थन किया था। फिर नेक्स्ट में क्या था कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, और 42 में ही भारत छोड़ो आंदोलन
की शुरुआत हुई और 43 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। तो ये इतनी पॉइंट जो बातें हुई, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपने ध्यान में रखिएगा। तो ये सब लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुई थी। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और रिवीजन भी करते रहिए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।